कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब च हिंदी टीचर दिल्ली टेट च कौन से लैंग्वेज चूज करें प्लीज गाइड। देखिए चॉइस है ही नहीं। अगर आप यहाँ पर जाओ, ये रहा आपका पी एस टेट का पोर्टल है ये, ठीक है। पी एस टेट का पोर्टल खोल के आप पी एस टेट के स्ट्रक्चर को देखो। पी एस टेट के स्ट्रक्चर में ये आएगा चाइल्ड डेवलपमेंट लैंग्वेज वन, लैंग्वेज टू, मैथ्स एंड एनवायरनमेंट पेपर वन के लिए है। बी एड कर रहे हो पेपर वन आपके लिए नहीं है, ओके। ये है पेपर टू पी एस टेट टू, तो चाइल्ड डेवलपमेंट पहला 30 मार्क्स का है, दूसरा लैंग्वेज ये रहा कंपल्सरी, नो ऑप्शन, ओके। ये कौन सी होगी, पंजाबी और इंग्लिश होगी, लैंग्वेज टू इंग्लिश, ओके। ये ऑप्शन आपकी स्ट्रीम की है, उसमें लैंग्वेज की ऑप्शन है, लेकिन आप को जहाँ तो मैथ्स एंड साइंस चूज करना पड़ेगा, जहाँ सोशल स्टडी टीचर बनना चाहते हो वो चूज करना पड़ेगा, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर ये चूज, इसमें से आइदर है, फिजिकल एजुकेशन चूज कर। सीटेट में इतनी ऑप्शन नहीं है, सीटेट में सिर्फ दो ऑप्शन है। फॉर होम साइंस टीचर ये चूज करना पड़ेगा, उर्दू लैंग्वेज है, म्यूजिक है और संस्कृत है। इट मीन्स उर्दू एंड संस्कृत दो ऑप्शन बची हैं, वो वेरी ऑड है, यूनिक है, मतलब जो कैंडिडेट बहुत ज़्यादा कम है, तो आपके लिए कोई चांस नहीं है। ये करके ही आप हिंदी टीचर के लिए एलिजिबल बनते हो। आपने स्ट्रीम चूज करनी है, वो सोशल साइंस, मैथ्स या इनमें से जो बताई गई हैं वो हो सकता। ये लिखा है पेपर वन के लिए है, यहाँ लिखा है लैंग्वेज वन पंजाबी कंपलसरी है 30 एमसीक्यू, लैंग्वेज टू इंग्लिश ही है। और ये लिखा है पेपर टू के लिए लैंग्वेज वन पंजाबी कंपलसरी है, इंग्लिश कंपलसरी है। सो देयर इज नो ऑप्शन। वापस चलते हैं यहाँ पर आगे, वापस नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो आपके लिए चॉइस नहीं है। सर टेट के लिए थर्ड सेमिस्टर का स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकता है या फर्स्ट सेमिस्टर का भी आप अभी भी अप्लाई कर सकते हो। आपकी एडमिशन हुई ना, आपने ये 26th है ना, आपने 26th को 3 बजे या 5 बजे तक आपने फीस डिपॉजिट करा दी, अगर फॉर्म आ जाते हैं उसी दिन आप फिल कर सकते हो। आप फर्स्ट की बात करते हो, आप फर्स्ट डे से, फर्स्ट एसटी डे से आप एलिजिबल है टू अपियर इन एनी टीईटी, पंजाब स्टेट टेट और सेंटर टेट, सो सुप्रीम कोर्ट का और एनसीटी के सर्कुलेशन काफ़ी बार मैं शेयर कर चुका हूँ। सो इसको फाइनल कर दीजिए और अपनी तैयारी, अगर आप चाहते हो तैयारी, टीचर बनना चाहते हो तो तैयारी शुरू कर दीजिए, अगर नहीं बनना चाहते तो तैयारी शुरू नहीं करनी। नेक्स्ट है, क्योंकि ऑर्नामेंटल डिग्री बहुत जाने लेते हैं, ये भी बात है। सर जो फाइनल मेरिट लिस्ट, मेरे ख्याल में इसको अलग कर दिया जाए टट के, चलो फाइनल मेरिट लिस्ट आई है उस रूरल मार्क्स 1.5 रह गए ने, प्लीज़ दसो कि एडमिशन टाइम पे कोई दिक्कत आएगी। ये गल हो चुकी है, दिक्कत आएगी, जे प्राइवेट थोड़ा जा इदा का कॉलेज है जो एडमिशन ओरिएंटेड है उत्थे नहीं आएगी, जिते सही कॉलेज है उत्थे दिक्कत आएगी। सर पी एस टट की कदों कर रहे हैं तैयारी, सर पी एस टेट दी कदों करा रहे हैं तैयारी? रज तैयारी करा रहे हाँ, बहुत स्लो चल रहा है। सी टी ई टी जड़ा हुने होया है और ऑफलाइन होया है, और रजे उसने चैलेंज किया है, यूट्यूबर्स नू चैलेंज करता है, इस तरह के क्वेश्चन आए ने। वो लगभग हर वीडियो च मैं 5 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हाँ विद एक्सप्लेनेशन इन डिटेल, तो जो थानू फंडामेंटल समझ आ जाए। तो सेम सिलेबस ही सी का है और वो ही पी एस टेट का है, इस गल नू समझो, नाल नाल दोनों की तैयारी चल रही है। सो वो वीडियो देखो, बस थोड़ा खत्म हो जाए फिर मैं फंडामेंटल वीडियो पा के तुहाडे बाकी भी जवाब दे दिना हाँ। सर कॉलेज की सीट्स में जनरल की सीट्स ज़्यादा हैं कंपेयर टू एससी एसटी कैटेगरी, फिर तो सीट मिलाना ही मुश्किल हो जाएगा एससी स्टूडेंट नू? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं है, बिल्कुल भी इतना भी नहीं घपला हो सकता है। रिजर्वेशन के मामले में पंजाब गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होगी वही फॉलो की जाएगी, ये भूल जाइए, ये गड़बड़ कोई कर सकता है। प्राइवेट कॉलेज में बाद में लास्ट में हो जाती है कि आप कन्वर्ट कर सकते हो, वो स्टेप है। हेलो प्लीज़ प्रोवाइड अ डिटेल अबाउट पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ एडिशनल ग्रेजुएशन एग्जाम फॉर्म फिल्म डेट। आप उसकी लास्ट डेट लगभग एक आधे दिन में स्टार्ट हो जाएंगे, मैं डाल देता हूँ, वैसे आप तैयार ही रहिए। इस नाल ही ग्रेजुएशन दे एडिशनल देना
चाहिए हैं एग्जाम, वो वीडियो कब आएगी? मैं डाल चुका हूँ ये वीडियो कि आप बीएड के साथ ही ये पंजाब यूनिवर्सिटी से भी पूछ चुका हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी भी अलाउ करती है, तीनों यूनिवर्सिटी अलाउ करती है, लेकिन क्लैश की जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अगर क्लैश होता है तो आपको बीएड का एग्जाम छोड़ के ये एग्जाम देने पड़ते हैं, क्योंकि एक एग्जाम ही अगर स्किप किया तो 6 के 6 एग्जाम दोबारा देने पड़ते हैं और फेल का रिजल्ट आता है, इसमें रीपेयर भी नहीं आती। ये डेट बस आने वाली है 1-2 दिन में। सर प्लीज़ गवर्नमेंट कॉलेज ते एक वीडियो बना दो कि सेकंड काउंसलिंग तो पहला कि गवर्नमेंट कॉलेज केड़े ने, मैं दस दिता है मलेरकोटला फरीदकोट है, चंडीगढ़ इस विच शामिल नहीं है, पटियाला है, जलंधर है, ये सारे ने। रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन जेड़ा है गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, कॉलेज बहुत अच्छा है, टीचर बड़े अच्छे ने, पर उसकी फीस जेड़ी है जो बच्चों ने मैंने दसी है 1,40,000 दसी है जहाँ 1,27,000 होएगी, मैंने नहीं पता जो बच्चों ने दसिया है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज यही ने जोड़े दसे ने। सर जी एन डी यू इक्वल एंड सर्टिफिकेट का प्रोसैस की है? सो गवर्नमेंट कॉलेज जी एन डी यू अमृतसर, मैडम मैं ये हूँ एक वीडियो पा रहा हाँ माइग्रेशन का, सेम स्टैप है, ज एक दिन बाद इक्वलेंस का भी पा दिना हाँ, उस तरह ऑनलाइन अप्लाई होना है। पोर्टल खोल के मैं दस दाँगा, उससे पूरा वीडियो बना लिया है, एक दूसरा वीडियो आ जाएगा इक्वलेंस से आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू। अगर सर कॉलेज को फीस पे करती है तो उसके बाद माइग्रेशन हो सकती है? यहाँ माइग्रेशन वर्ड गलत है, यहाँ शिफ्टिंग वर्ड आएगा, शिफ्टिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आपने 1 से 3 तारीख को जो है उससे पहले भी देखना है, 2 दिन पहले अगर फीस 1,000 रुपया पे करनी पड़ती है तो करनी है, और 1 से 3 तारीख तक आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल सॉरी चॉइस फिल करनी है कॉलेज और सब्जेक्ट की। सकती है सर सेकंड काउंसलिंग की वेट करनी चाहिए? यस करनी चाहिए, अगर सेटिस्फाई नहीं हो तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है कि कुछ ऐसा हो जाएगा। 15% कोटा जो ऑल इंडिया कोटा है ना 15%, तो वो सभी बच्चे थोड़ी आ जाते, 15% नहीं फिल होते, हार्डली 5% फिल की, और वो 10% सीट्स भी इसमें शामिल हो जाएंगी। पर ये भी बात है कि ये जो नए कैंडिडेट जिनका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आना है वो भी आप में शामिल हो जाएंगे, एक नेगेटिव फैक्टर है आपके लिए, एक पॉजिटिव है। अगर सर कॉलेज को फीस पे करती तो उसके बाद माइग्रेशन हो गया बात। सर टोटल गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं? ये मैंने 4-5 जो बताए हैं यही हैं। सर तुसी केड़े फर्स्ट सेम दे हाफ फीस बननी है जी, उस दे इंस्ट्रक्शन की ने, क्योंकि कॉलेज पूरी फीस मंगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैं कह रहा हाँ, प्रोस्पेक्टस दे विच लिखा होया है, तुहानू ईमेल दित्ती हुई है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की ईमेल जी है, उत्थे दस दो कि कॉलेज पूरी फीस मंग रहे हैं तो नहीं होएगी, तुम सुस्त बैठे रहोगे फिर तो नहीं होएगा। जिथे गलत है उत्थे विद ड्यू रिस्पैक्ट तुम अपना हक लै सकते हो, पर तुम खुद भी गलत नहीं होना है ना, रिश्ता भी खराब नहीं करना। उन्होंने कह दो कि रिक्वेस्ट कर दो कि सर मैं फिर वो उत्थे करना पैना, मैं माफ़ी मंगदा कि मैं फिर मैं पे नहीं कर सकता, मैं खुद 900 रुपये च यार की हुई है, मैं खुद बालन ढो ढो के सब कुछ पढ़िया होया, मैं मतलब मैनू पता है किस तरह एक एक रुपया किस तरह बनता है। सो तुसी अपनी अवेयरनेस का फायदा उठाओ और इदा एक्सप्लॉयट नहीं होना, ना करना है, करना भी नहीं है, नाजायज़ फायदा भी नहीं उठाना और खुद होना भी नहीं है। सर सानू किवें पता लगेगा कि कॉलेज ने सीट फिल करती? इट मीनस असी ऑनलाइन चैक करते रहिए। 29 तारीक नू डिस्प्ले हो जाना है खाली सीटा सैकेंड काउंसलिंग, 29 तारीक नू। सर लास्ट डेट की है सैकेंड काउंसलिंग की? सैकेंड काउंसलिंग की जिहड़ी डेट है इमीडिएट शुरू हो रही है, 29 तारीक नू डिस्प्ले हो जाएगी खाली सीटा, 29 तो सैकेंड काउंसलिंग शुरू है, हाँ 29 तो सैकेंड काउंसलिंग शुरू है। 30-31 नू जिहड़ी अपडेशन करनी है मार्क्स की, हाँ शिफ्टिंग फीस पे करनी है, और 1-3 दे विच तुसी ऑनलाइन चॉइस फिल करनी है। वापस चलते हाँ उत्थे एरिया है ना। सर मैं कैटेगरी एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट है सर, फिल की सी बट यूनिवर्सिटी वाले ने मैनू कॉलेज अलॉटमेंट जी मैं वीडियो पाई हुई है, तुहाडी रैंक अच्छा आ जाता, मार्क्स अच्छे आते, तुहानू जनरल कैटेगरी देखो रिजर्व वाला जनरल च जा सकता है, जनरल वाला रिजर्व च नहीं आ सकता, यही रिजर्वेशन है ना। सो वो तुहाडे जन जिहड़े बेनीफिट ने वह नहीं जाते होंगे कदे भी, तुसी नहीं अवेयर, तुसी सुते हो तो वह बेनीफिट्स कोई भी मार सकता है, जागते रहो। सर मैंने कॉलेज फीस भी डिपॉजिट करवा दी है, तो
सर हुण फीस वापस हो सकती है, मैं बीएड नहीं करनी। बिल्कुल हो सकती है, 100% हो सकती है। उन्होंने विद ड्यू रिस्पैक्ट को कि मैं फीस नहीं मैं बीएड नहीं करनी, वापस की जाए और वो तोड़ा 1000 या दो एक 2000 कट के एक या 2000 जो गवर्नमेंट नॉम यूजीसी दे नॉम है, यूजीसी दे नॉम है, ओके तोड़े वो कट के बाकी फीस वापस मिलेगी। जे नहीं है तो यूनिवर्सिटी मेल कर सकते हो कि मैं ये तो विदड्रा करें हैं, काइंडली मेरी फीस वापस की जाए। होएगी, कई दी हो चुकी है। सर मुझे मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गई है, अब वांट टू चेंज, है ना, प्रेफरेंस मिल चुकी है तो आप शिफ्टिंग के लिए जाओगे। अभी जो शेड्यूल बताया है आपको 1 से 3 तारीख को आपको फिल करना होगा चॉइस द्वारा। सर बीएड दी 1,20,000 फीस है, मेरा क्वेश्चन सी के बीएड दा कोई फायदा है कि नहीं। देखो हाँ जी टीजीटी पीजीटी ये फायदा है पर फीस बहुत है औखा जनरल कैटेगरी ली। तो अनु कौन कह रहा है इन्हें मैनिंग कॉलेज लॉ सीट तुसी कित्थे हो सीधा 8427458843 ते मेरे नाल गल कर लो। बहुत सस्ते कॉलेज भी है उत्थे कर लो यार, जरूरी है। और फायदा तो एदा नहीं है, फायदा अपनी मेहनत का हुंदा, फायदा मोटिवेशन का हुंदा, फायदा अपने कर्मों का हुंदा है, फायदा किन्ना तुरदे हो उहदा हुंदा है, फायदा किन्नी एनर्जी लगांदे हो उहदा हुंदा है, फायदा किन्ना टाइम लगांदे हो उहदा हुंदा है, फायदा किन्नी टाइम मैनेजमेंट करदे हो उहदा हुंदा है, फायदा है कि इत्थे किन्ना रहिंदे हो, फायदा तो उहदा होना है। से फायदा लेना है तो तुसी भाग मिलखा भाग दा वो सीन वेख लियो जदों उहदे पैर विच सट लगी हुंदी है तो वह रिकॉर्ड फिर तोड़ दिंदा है। सो फायदा बाहरों नहीं, फायदा अंदरों मिलना है। मैं एक गल कह दिया, कुछ भी बाहरों नहीं, 10% 20% ला लो बाहर ला वातावरण कर सकता है, बाकी सिर्फ तुसी करना है, फायदा तुसी ले सकते हो। फायदा है कि अज भी वो आए सी 6वीं तो 10वीं तक जे एम ए पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं की ये एलीजिबल है टी जी टी जिस कहें, और 11वीं 12वीं जे पी जी टी की है, बाकी तुहाड़े की कॉम्बीनेशन बनते हैं की गवर्नमेंट रूल है उन्होंने अपलाई करके ये तुहाड़े फायदे है। टी ई टी सिलैक्शन टैसट चो गुजर के जाना ही पेगा। एक 26,000 बन सेमेस्टर की यार हाँ 80,000 च हो रही है, मिल जाती है 80,000 च। वैसे ग्रैजुएशन दे बराबर डिग्री, फिर ग्रैजुएशन की जगह यही करवानी चाहिए। चलो ये आप जो असी चेंज नहीं कर सकते उदियां गल्लां आपां ना करिए, जो चेंज कर सकते हैं उदियां गल्लां करिए। असी चेंज अपने आप नूं कर सकते हैं, असी अवेयर हो सकते हैं, असी एक्सप्लाइटेशन तो बच सकते हैं, असी 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 बहुत कुछ कर सकते हैं, पर तुहानूं पता ही नहीं तुहाडे च किन्ना कुछ है, है ना। नैक्सट है सर जिवें गवर्नमेंट कॉलेज विच 100 सीट्स उस एक्स्ट्रा सीट भी होंदिया ने या नहीं? नहीं एक्स्ट्रा सीट नहीं राजे कोई भी होंगी, इदा जिन्हिया सीट्स फिक्स है एनसीटी वालों उन्निया ही रहन गिया। नैक्सट है सर गवर्नमेंट कॉलेज जलंधर च सोशल स्टडी बीसी नहीं है कैटेगरी, राजे कुछ नहीं किया जा सकता, नहीं है। सर मैं एससी कैटेगरी बिलोंग करता हाँ, मेरी सीट जनरल च आ गई है तो वीडियो पाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होंगी, जो तो सू उ बेनीफिट मिलने मिल सकते हैं, क्या बात है। सर मैनू 1,35,000 कहा गया है 2 साल का, ज़्यादा है भी मैं नहीं कहाँगा बी एड तो इन्ना पैसा खर्च कर दो, सस्ती सीट मिल जाती है तो तुसी मेरे ना कॉन्टैक्ट कर सकते हो, दस दाँगा किहड़े है कॉलेज सस्ती हो जाती है। सो जे तुहाडा 35-40 हज़ार बचता है उधर टैट दे ते जोर लाओ, उधर सिलैक्शन टैसट से जोर लाओ, ये बी एड का अदरवाइज़ कोई फायदा नहीं है। जे टैट सिलैक्ट नहीं करते प्राइवेट स्कूल च भी किन्ना फायदा हो जाएगा, फिर भी टैट क्लीयर करना पैंदा। सर सैकेंड काउंसलिंग विच गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा? राजी इदा नहीं हुंदा, डिपेंड करता है कि इस किन्नियां सीटां खाली किस कैटेगरी दियां, है ना, वो मैं अलग तो वीडियो पाई है। सर किस सारियां लई काउंसलिंग जरूरी है? हाँ जी सारियां लई जरूरी है, मैनेजमेंट कोटे लई भी अलग तो होएगी, उन्होंने भी 2600-1300 पे करना है। सर मैं एंट्रेंस टैसट तो पहला ही कॉलेज एडमिशन लई सी, सीट फिक्स की है कि हुण दोबारा सर मैनू सीट मिलनी है? नहीं राजे वो सीट मिलनी यूनिवर्सिटी वालों ही है, तुसी अमित कौर सर नू जिहड़े कोआर्डीनेटर ने वो रूल्स दे बड़े पक्के है, रूल्स दे तुसी देखो इस बार 12,000 तो 18,000 कैंडीडेट हो गए ने वो सर दे रूल्स करके ही। सो रूल्स ये है कि तुसी यूनिवर्सिटी दे काउंसलिंग दे जरिए जाके एडमिशन ले सकते हो, तो उहदी पालना की जाएगी, तुहानू करनी चाहिए है, और कॉलेज भी किसी तरह उस दी पालना दे विच ही तुहानू देगा। हाँ उहनू थर्ड दी वेट कर रहे होने, सच तो यह है। सर मेरे 80
मैरिट है ए चांस काउंसलिंग विच मैनू हुण सैकेंड प्रेफरेंस वाला कॉलेज मिलिया है। सैकेंड काउंसलिंग च फिर भर दो मिल जाता हुंदा है मतलब जे तुहानू सैकेंड काउंसलिंग सैकेंड प्रेफरेंस वाला मिलिया है तो 1000 रुपया भी नहीं लगेगा। पहला कॉलेज प्रेफरेंस फिल की सी इस कॉलेज सीट अलॉट नहीं हुई तो की करिए प्लीज सर दो। सैकेंड काउंसलिंग च जाना है राजे। सर जी मैनू किस तरह पता लगेगा हाई रब्बा के सीट मिल गई है कि नहीं। हाई कदों आया 11 घंटे पहले तुसी आई डी पासवर्ड फिल करके ना अपने पोर्टल पर जाके गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पर जाके तुहानू उहदा रिजल्ट मिल जाता है उत्थे तो आ दिता होया कई ने शाबाश जिन्हां ने दिता होया है। मलेरकोटला की फीस दसी हुई है लगभग 52,000 के करीब बनती है पूरे साल की 25,800 लगभग दस रहे हैं। पटियाला प्राइवेट कॉलेज फीस टोटल 94,000 यूनिवर्सिटी चार्ज। हर कॉलेज प्राइवेट च वेरिएशन बहुत है 1,50,000, 40,000, 20,000, 80,000 के विचकार मैनू सुनने मिल रही हैं है ना। सर एग्जामीनेशन फीस भी हुण करवानी है प्राइवेट कॉलेज हुणी राजे विच ही होएगी हुणी करवानी है प्राइवेट कॉलेज हुणी MGM मैं पता नहीं लगा हुणी मंगी जांदे मंग रहे ने नहीं तुसी हजे 10-15-20 दिन लै सकते हो। तुहानू यूनिवर्सिटी ने कहा होया है कि जिन्नी फीस है मान लो फस्ट सैम की भी फीस 20,000 है मैं साफ कह रहा 20,000 है मान लो एग्जामीनेशन फीस भी अलग है आ है ना तो तुसी अद्धी देनी है सब तो पहला 10,000 देनी है कोई भी तुहानू वाधू देने लई नहीं कह सकता यूनिवर्सिटी ईमेल है कर दो। तुसी दस सकते हो कि प्राइवेट तो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज की टोटल फीस किन्नी ले रहे ने मैं वीडियो पा दिता राजे। सर रीजनल सेंटर विच 1,40,000 फीस है वो कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है पर कॉलेज बहुत अच्छा है। सर मेरा भी प्राइवेट कॉलेज आ गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट 35,000 सैम दी फीस माई गॉड इट इज़ टू मच। स्टेट कॉलेज पटियाला 18,000 वन ईयर की है 18×2=36 हाँ 37,000 मैंने दसी गई है ठीक है बिल्कुल। खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन की गवर्नमेंट एडिड की 32,000 है तो खालसा कॉलेज की टॉर भी वक्री है वो आपको देखना पड़ेगा आपको क्या चाहिए। आई हैव गॉट प्राइवेट कॉलेज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रेफरेंस एंड कॉलेज इज डिमांडिंग ये फीस दे रिगार्डिंग सारियाँ वीडियो हो गई है ना डिमांडिंग 16,000 फीस एट अ टाइम रिपोर्टिंग एंड 800 एक्स्ट्रा फॉर प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस की फीस 800 है कोई 1,000 लेगा कोई 500 लेगा। कैन एनीवन प्लीज टेल हाउ मच फीस देयर कॉलेज आर आस्किंग। 16,000 किन्नी है ए फीस एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग हूँ 16,000 किन्नी है सैम पूरी है सैम की अद्धी की है ये तुम्हें पूछना पड़ेगा। प्राइवेट कॉलेज 20,000 पर समिस्टर 3,000 एग्जामीनेशन प्लस 1,000 प्रोस्पेक्टस होए वाह क्या बात है इतना अच्छा डाटा कलेक्ट हो गया। गवर्नमेंट कॉलेज 25,800 सो ये अलग तो वीडियो पा देना है फीस वाला है ना इतों कट करके अलग तो पा देना है सो इसका तुम एनालिसिस कर सकते हो। ये एनालिसिस आता है सब तो घट फीस गवर्नमेंट कॉलेज जलंधर स्टेट कॉलेज मलेरकोट ये है 37,000 बनती है 2 साल की और गवर्नमेंट कॉलेज सब तो ज़्यादा मलेरकोटले 52,000 बनती है। सो इस तो इलावा एडेड कॉलेज लगभग इक्वल ने वो लगभग 90,000 तो 1,00,000, 1,10,000 ये करीब ने। प्राइवेट कॉलेज सब तो ज़्यादा वेरिएशन है 80,000 भी है 90 भी है 1,00,000 भी है 1,20,000 भी है 1,30,000 भी है 1,40,000 भी है। सो जिन्ना तुहाडे को खाता है तुसी अपने मुताबक तंग ना होवो इन्हें है ना ना ही मापियां नूं इन्ना तंग करो। सो तंग होने नालों बैटर है कि सही जगह पर एनर्जी ला लो। फीस होनी देनी जरूरी है कि थोड़ी दे दो पूरी फीस ना दो। सैकेंड काउंसलिंग कदों है 29 तरीक नूं शुरू हो रही है सैकेंड काउंसलिंग 29 तरीक नूं 29 अगस्त होए अगस्त ओके। ये पूछ रहे ने मेरी ग्रेजुएशन पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो है कुरुक्षेत्रा तो इन्हों की BEd चल रही है हरियाणा तो और MA इंग्लिश एडिशनल देना है MA मैं इंग्लिश एडिशनल देना है पेपर BEd कंप्लीट होने तो बाद पंजाबी यूनिवर्सिटी ते तुहानू हाँ माइग्रेशन लेनी पेगी बिल्कुल लेनी। सर आई एम नॉट सैटिस्फाइड विद द कॉलेज अलॉटेड टू मी थर्ड प्रेफरेंस है ना बट आई रिपोर्टेड दियर रिपोर्टेड का मतलब रिपोर्ट का मतलब जाना नहीं है अगर आपने फीस जमा नहीं कराई तो रिपोर्ट नहीं है
आपके जो ऑनलाइन रिपोर्ट कर दी गई है यूनिवर्सिटी को, अगर फीस जमा करवाओगे तो ओके, जहाँ उन्होंने कह दिया कि हमने आपकी जो है एडमिटेड कैंडिडेट आपको लिख के ऑनलाइन भेज दिया है। देयर इज हाउ टू गेट इन टू सेकेंड काउंसलिंग 29 तारीख को शुरू हो रही है राजे, 29 अगस्त को, तो 1 से 3 तक फिर च्वाइस फिल होगी, वो फिल करनी है, दैट्स ऑल, वो आप सेकंड में आ जाओगे। और ये अगर रिपोर्ट हो गई है तो शिफ्टिंग 1000 आपका लगेगा। सर प्लीज़ सेकंड काउंसलिंग दे फॉर्म के, हाँ जी मैं पाती है वीडियो अलग तो, जेकर एक नंबर रह जावे तो फिर कट ऑफ डाउन जा सकती है, मास्टर केडर टाइम दूसरी लिस्ट च मिल सकता है चांस, मास्टर केडर च तुसी, मैनू नहीं पता कि तुसी इहदे विच पूछ रहे हो जां सिलेक्शन विच, डी सेकेंड काउंसलिंग का पूछ रहे हो तो बिल्कुल नीचे जाएगी। सर काउंसलिंग का मोटिव की है गवर्नमेंट कॉलेज तो बिना है, बिकॉज मार्क्स अकॉर्डिंग सबनों एडमिशन तो मिल ही जानी है, किसी नू पहला किसी नू बाद विच, फिर इसका कोई फायदा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, लंबिया कहानियां असं चेंज नहीं कर सकते। तुसी बिल्कुल ठीक बेशक कह रहे हो, तुसी अपनी जगह पर ठीक हो, लेकिन जो सिचुएशन है वो असी नहीं, सुप्रीम कोर्ट सॉरी हाई कोर्ट ने बनाई हुई है, केस चले सी उन्होंने वगैरह वगैरह ये इस तरह होए हुए ने। सर फर्स्ट काउंसलिंग गवर्नमेंट कॉलेज प्रैफर किया सी, बट सानू सेकंड प्रैफरेंस वाला कॉलेज मिलया है, नैक्सट काउंसलिंग असी फिर प्रैफरेंस गवर्नमेंट कॉलेज जलंधर नू दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हो, सेकंड काउंसलिंग जाओ, 1 से 3 जड़ा है थोड़ा चॉइस फिलिंग होएगी, 29 तरीक तो काउंसलिंग शुरू है। सर सेकंड काउंसलिंग में कट ऑफ सेम होता है, नहीं डाउन जाता है सर, सेकंड काउंसलिंग में कट ऑफ सेम, सर मेरे कैटेगरी एससी है पर मैनू सीट जनरल च मिली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो अलग तो पाया है, चेंज हो जाती है, यस हो जाती है, यस हो जाती है। सेकेंड काउंसलिंग की चॉइस फिल करने की डेट है 1 से 3 सितंबर। सर मेरी बीएड कंप्लीट हो गई है, सब्जेक्ट एसएसटी ते पंजाबी ने, हुण मैं किहड़े सब्जेक्ट विच एमए करा, हर हालत विच प्रेफर पंजाबी करनी है, क्योंकि पंजाबी दी एमए करदे हां तां पीजीटी लई तुसी सीधे एलिजिबल हो जांदे हो। जो एसएसटी है, एसएसटी एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है, उहदे च पोलिटिकल साइंस हिस्ट्री इकोनॉमिक्स चारां दे विचों एक करदे हो, इह मान लो ज्योग्राफी दी कर लैंदे हो ना, पोलिटिकल साइंस कर लैंदे हो जां इकोनॉमिक्स कर लैंदे हो जां हिस्ट्री कर लैंदे हो, एक एमए करदे हो, पर तुहानूं नाल एक अडिशनल पेपर देना पएगा, एडीडी अडिशनल पेपर बीएड दा देना पएगा, दैट इज़ वाई मैं पंजाबी दी प्रैफर कहूँगा, पंजाबी दी प्रैफर करो, सीधे तुसी एलिजिबल हो जाओगे। सर मेरी कैटेगरी एससी है तो मैनू सीट जनरल च कोई प्रॉब्लम नहीं है राजे। सर डाउट है कि मेरी कंप्लीटेड ग्रेजुएशन हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस फिजिकल है, चूज एसएसटी, बिल्कुल ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटिकल ठीक है बिल्कुल, सोशल साइंस ये दस दिता है मैं तुहानू, है ना, कोई फर्क नहीं है, सोशल स्टडी तो सोशल साइंस बिल्कुल ठीक है। सर जे फर्स्ट काउंसलिंग रिपोर्ट नहीं करते तो सैकेंड काउंसलिंग शामिल हो सकते हो, बिल्कुल हो सकते हो। सर प्लीज़ सरकारी कॉलेज लई एससी कैटेगरी सरकारी कॉलेज लगना चाहनी हाँ, एससी कैटेगरी आ सर, हाँ तुसी क्वेश्चन पूरा नहीं किया, तुसी सेकंड काउंसलिंग जाओ जो फर्स्ट नहीं मिली। सर मेरा 66 मार्क्स है मैनू अलॉट होया है, और मेरी एडमिशन लेना चाहनी हाँ, लिस्ट मार्क्स इन्हें सेकंड काउंसलिंग कट ऑफ, सेकंड काउंसलिंग जाओ डाउन जाएगी, तुसी होर कोई चांस नहीं है, उस तो बाद असी देख सकते हैं कि थर्ड जहाँ असी की करना है, कॉलेज लेना कि नहीं लेना। सर कॉलेज दोबारा फिल करने पैणगे 1 से 3 दे विच फिल होने हैं, 29 तरीक नूं इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो जानी है। सर मेरे 97 मार्क्स है, मैनू कॉलेज अलॉट नहीं होया अलॉटमेंट लैटर विच, पर एक लिस्ट च नाम हैगा है, की इशू हो सकता है, तुसी जे जी लिस्ट च नाम हैगा कॉलेज जाके पता करो, जे उत्थे है तो तुहाडी एडमिशन हो जाएगी, अदरवाइज सैकेंड काउंसलिंग दी वेट करनी पएगी। सैकेंड काउंसलिंग सर मैनू 84 मार्क्स सीट जनरल च अलॉट हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर मेरा 68 नंबर है, कोई कॉलेज नहीं मिलिया, सर सेकंड काउंसलिंग जाओ, मिल जाएगा, ज़रूर मिलेगा, मैनू कोई सीट अलॉट नहीं हुई, कैटेगरी ओबीसी है, सेकंड काउंसलिंग से जाओ, मेरा इलेक्टिव पंजाबी हिस्ट्री सोशियोलॉजी है, मैनू की सीट उठाऊगी, एसएसटी पंजाबी तुसी लेना है, कॉम्बीनेशन बेस्ट है थोड़ा। सर जी सेकंड काउंसलिंग फिलिंग चॉइस की डेट दस दो प्लीज़, 1 तरीक तो लैके 3 सितंबर तक। सर मेरे कोल बीए विच इकोनॉमिक्स पंजाबी होम साइंस है, कॉम्बीनेशन है, मेरे फोन पर गल हो चुकी है, तुसी जे पंजाब यूनिवर्सिटी चो तुसी इकोनॉमिक्स दे नाल एसएसटी लै सकते हो, नाल पंजाबी लै लो। सर थोड़ा नंबर 8427458843,
सर मेरी एससी कैटेगरी है बट मैनू जनरल च सीट अलॉट हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मेरा बी एच फाइनल का रिजल्ट इकनोमिक्स च रीअपीयर आ गई है, हुण मैं किस तरह कर सकता है? जेकर रिजल्ट लेट आता है तुसी पलकता तुसी काउंसलिंग से शामिल नहीं हो सकते। कोर्स करा मैं नैक्सट ईयर बी एड करा, बिल्कुल होर कोई कोर्स रजे तो करना पैना है। और अपने मार्क्स जरूर देखना कि 55% बन जाएंगे, जे ना बने तो फिर क्योंकि मार्क्स 55% होने के चांस है एलिजिबिलिटी। थैंक